प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी किया है। उल्लेखनीय है कि पाटिल कई बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। उनकी आत्मकथा का शीर्षक है देह बेचावा करनी, जिसका अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी के आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेगी। मैंने भी ये नजदीक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाला साहब विखे पाटिल ने महाराष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। गांव, गरीब, किसान, इसका जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, मी स्वतः सत्तेपासून वा राजकारणापासून अलिप्त राहिलो नाही, मात्र समाजासाठीच राजकारण आणि सत्ता हे पथ्य भी कायम संभाळलं। राजकारण करताना माझ्या सतत समाजाचे प्रश्न सोडवण्यावर भर राहिला। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। बाला साहब विखे पाटिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। यही वजह है कि आज भी उनका हर पार्टी, हर दल में बहुत सम्मान है। और यही बात अभी उद्धव जी ने भी बताई, देवेंद्र जी ने बताई, चंद्रकांत जी ने बताई। गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो, ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। और इसलिए बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन पर ये किताब हमारे लिए भी, समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने गांव, गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया, इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है।